नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता बैठक पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज किया है। जम्मू में शुक्रवार को एक रैली में शाह ने कहा, आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, कितनी ही पार्टियां मीटिंग में आए लेकिन वे कभी साथ नहीं होंगे। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को चुनौती देना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। पटना में आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता के लिए 15 से ज्यादा दलों की बैठक चल रही है। ये दल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के उद्देश्य के साथ सीएम हाउस में बैठक कर रहे हैं। शाह ने कहा, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में काम किया था, उनके बलिदान के कारण ही आज बंगाल भारत का हिस्सा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा, मुखर्जी धारा 370 के खिलाफ 1953 में जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, यहां उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम सब जानते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब धारा 370 खत्म हो गई है, उनका सपना पूरा हो गया है, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया कश्मीर बन रहा है। शाह ने कहा, यूपीए के 10 साल के शासन में 60,337 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, एनडीए के 9 साल के शासन में 70% कम आतंकी घटनाएं हुई है। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद 47 महीनों में हड़ताल के लिए केवल 32 कॉल आए, जबकि पथराव में 90% की गिरावट आई। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने पत्थर की जगह लैपटॉप और किताबों को ले लिया है। शाह ने बताया कि 2022 में पहली बार 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल बाबा और मोदी जी के बीच कोई तुलना नहीं है। शाह ने सांबा के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी और लाभार्थियों को गोल्डन हेल्थ कार्ड सौंपा।